जी सुनो जी, कथा है हमारी, हमारी कथा है, कथा है पुरानी जो सबको पता है। फिर भी सुनो 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 भैया सुनो बहना सुनो 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 सुनो। कथा है हमारी जो सबको पता है, पर सच तो ये है कि ये कथा अब हमारे लिए कथा नहीं रही। हम सब देखते हैं, सुनते हैं, अनदेखा कर देते हैं, जानते हैं, समझते हैं, महसूस तक नहीं करते, अरे बोलते तक नहीं, आंखें क्यों? अरे सत्यानाश हो इस अखबार का, अरे सत्यानाश हो इस अखबार का, पहले पन्ने पर ही ऐसी खबरें छाप देते हैं, पूरा दिन खराब कर दिया। अरे दादी माँ, क्या हो गया? अरे वो अपने मोहल्ले के शर्मा जी ना है, हाँ, कि बिटिया कुछ दिन पहले गायब तो हो गई थी। अच्छा? खबर है कि कुछ लड़कों ने उसका बलात्कार कर दिया और जिंदा जला दिया। तो हमें तो उनसे मिलने जाना चाहिए। अरे चुप, ज्यादा चौधरी ना बन, तुझे पता ना है कैसी लड़की थी वो, क्या लक्षण थे उसके, अजीबो गरीब कपड़े पहनती थी, लड़कों के साथ घूमती थी, देर रात तक घर से बाहर रहती थी, माँ बाप ने लगाम तो कसी ना, तो फिर कहिए तो देखना ही थे। पर दादी, पर दादी क्या, हम अपने परिवार के बहुत खुश हैं, हमें क्या करना दूसरों से। अरे बिटिया। हाँ दादी माँ। 9 बज रहा, टीवी तो चला, जरा मेरा नाटक आ रहा होगा। अरे गुड़िया बेटा, वो चौराहे पर मौसा जी खड़े, उनको हमारे घर का रास्ता नहीं पता, जरा उनको ले जी माँ। अरे इतनी रात में वो कहाँ जाएगी, तुझे पता ना बाहर का माहौल कैसा है, वो कितनी छोटी भी है, तू क्यों नहीं चली जाती है, जा ले आ जाकर। ठीक है मां जी, मैं ही चली जाती हूँ। और भाई आज को मजा आ गया है यार, बहुत मजा आया भाई, बहुत। अरे वो देख क्या माला है ये लड़की किधर जा रही है, हमसे बच के कहाँ जाओगी रानी? Yeah.
अब ये चीखें किसी को नहीं सुनाई देंगी, अब ये दर्द किसी को महसूस नहीं होगा। कल इन्हीं के घर वालों को उस रेप पीड़िता के घर वालों से कोई लेना देना नहीं था। अब पूछो इनसे, किसी को इनसे लेना देना होगा क्या? वो बात आखिर ऐसी है ना कि दर्द जब तक खुद का ना हो महसूस कहाँ होता है। मैं आपसे कब से पूछ रही हूँ, मेरे माँ के साथ किसने क्या किया, उनके साथ क्या हुआ है, कोई पता क्यों नहीं कर रहा है? जब आपकी तरह मैं कितने दिनों से आगे चक्कर लगा रही हूँ, कुछ तो मदद करिए मेरी, मेरी कुछ तो मदद करिए। उस दिन तुम्हारी माँ का बलात्कार हुआ था, उनको मारने की कोशिश की गई थी और फिर भी वो बच गई तो उनको जिंदा जला दिया गया। तुम परेशान मत हो, उन गुने तुम्हारी माँ के गुनहगारों को ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है, जैसे ही कुछ पता चलता है तुम्हें बता दिया जाएगा। क्या कसूर था उसका, क्या कसूर था उसका? औरत थी, देर रात घर से अकेली निकली थी, कमजोर थी, क्या कसूर था? आज भारत देश में हर घंटे, हर गांव, हर शहर, हर औरत, हर महिला, हर बच्ची के साथ ये होता है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, चुप रह जाते हैं, इंसाफ की गुहारे मांगते हैं, अरे भीख मांगते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, हार के रह जाते हैं, टूट के रह जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता हमें। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं करूंगी इंसाफ की लड़ाई, मैं लड़ूंगी अपनी माँ के लिए, उन्हें मिलेगा इंसाफ, उसने हमारे लिए क्या है, मैं करूंगी अपनी माँ के लिए, मैं नहीं टूटने दूंगी खुद को उन्हें, मैं दिलाऊंगी उन्हें इंसाफ। इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, माँ को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, माँ को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, माँ को इंसाफ दिलाओ। अब लोग समर्थन के नाम पर कैंडल मार्च करेंगे, महीने भर सोशल मीडिया पर लड़ेंगे, भिड़ेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, फिर क्या कोई इंसाफ की बात करेगा? कर भी नहीं चलो, क्या इनको इंसाफ मिलेगा, क्या इनको इंसाफ मिलेगा? मैं देश की राजधानी की बात करूं या किसी आम शहर या गांव की, हम रोज ऐसी खबरें सुनते हैं, रोज ऐसी खबरें सुनते हैं। लोग कहते हैं लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए बलात्कार होता है, देर रात घर से बाहर रहती हैं इसलिए बलात्कार होता है। अरे तो बताओ ऐसा क्या पहना था उस औरत ने? 15 साल की बच्ची की माँ थी वो, तो किसको उत्तेजित किया था उसने? इंतजार और सिर्फ इंतजार करते हैं इसके लिए, इंसाफ का इंतजार, और जवाब में क्या मिलता है? सिर्फ सन्नाटा। मुझे मेरी माँ चाहिए, नहीं चाहिए मुझे कोई इंसाफ। 5 साल हो गए सब रात को, आज तक इंसाफ नहीं मिला, चाहिए भी नहीं, मुझे मेरी माँ दे दो, नहीं चाहिए मुझे इंसाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार और इस समय हम अदालत के बाहर खड़े हैं। आज फैसला आना है कि आखिर जिस माँ का उन दो गुनहगारों ने बलात्कार किया था, आज उनको फांसी होनी, 5 साल हो चुके हैं, आदेश है कल फांसी होगी। अब अदालत इस पर क्या फैसला लेती है कि उनको फांसी होगी या नहीं होगी, हम आपको बताते रहेंगे, बने रहिए। सबसे बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सबसे बड़ी ब्रेकिंग, जी हाँ, जिन दो गुनहगारों को फांसी की सजा होनी थी अब वो 2 महीने के लिए टाली जा चुकी है। जी हाँ, देश की जनता इंतजार कर रही थी कि अब आएगा फैसला, अब होगी उन गुनहगारों को फांसी, लेकिन फिर से मामला टाल दिया गया है। आखिर कब तक इंसाफ का इंतजार करती रहेगी जनता, और इंसाफ का इंतजार करती रहेगी वो माँ की बच्ची और वो दोनों बच्चियां, कब तक इंतजार करती रहेंगी इंसाफ का और कब उन्हें सजा मिलेगी? आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु सिंह चंदेल, HBS TV, उन्नाव। हर साल हमारे देश में 25,000 से ज्यादा महिलाएं और बच्चियां हिंसा का शिकार होती हैं, जिनमें से कुछ तो डर से छुपी साध लेती हैं और जो आवाज उठाती भी हैं तो उन्हें जल्दी इंसाफ नहीं मिलता। सन 2019 के वार्षिक आंकड़ों के हिसाब से
27,932 मामले बलात्कार के दर्ज हुए, जिनमें से 98% मामलों के आरोपी सिर्फ उनके अपने हैं, कोई दूसरा नहीं। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? दिल्ली, लखनऊ, हिंदुस्तान भर में ऐसी खबरें अखबारों में रोजाना छपती हैं, फिर वो चाहे महिलाओं के प्रति किसी भी तरह का अपराध क्यों ना हो, हम कुछ दिन शोक मनाते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं। हमारी खामोशियां उन अपराधियों को एक और मौका देती है ये अपराध करने का। कब तक आखिर कब तक वही नारे लगाते रहेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे कब तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कभी ये नहीं सोचा बेटों को समझाओ, ना माने तो खींच के एक थप्पड़ लगाओ। समाज की एक अच्छी सोच, एक अच्छे कल की, क्योंकि एक आम आदमी की तरह हमको भी हक है एक आम जिंदगी जीने का। अब इंतजार है तो बस इंसाफ का, जो मेरी, आपकी और इस पूरे प्रशासन की आंखें खुलने के बाद ही मिलेगा। मैं दीक्षा तलरेजा। मैं निहारिका श्रीवास्तव। मैं मिस्को आजीम। मैं हिमांशु सिंह चंदेल। मैं प्रीति यादव। मैं निधि सिंह। मैं अपूर्वा सिंह। मैं शिवेंद्र रेड्डी। मैं दिव्या शुक्ला। अब नहीं करेंगे और इंसाफ का इंतजार। बंद करो ये अत्याचार, बंद करो ये अत्याचार। टीमें ऑल द वेरी बेस्ट। पुरानी दाल खिलाएगा ये नेताओं की पुंगी बजाएगा, या वही कन्या बूढ़ हत्या या बालश्रम का रोना रुलाएगा? नहीं उस्ताद, आज हम युवाओं की सभा में है, युवाओं की सभा में आज हम इन सबको असंतोष के अधिकार के बारे में बताएगा। खिड़कियों की आजादी कैसी कि क्लासरूम के हर एक कोने से आते हैं अंधियारे। उन पंखों के वहां चलने का वजूद क्या आखिर, किस सहमे पसीने से भीगी लगती है हवाएं। दरवाजों के वहां खड़े रहने का क्या मतलब कि लगा दिए जंजीरें जहां तक जा ना पाए। क्यों देखना भी वो पेज जो मंजूर नहीं मेरे टीचर को, क्या पन्नों पर उतारी बस कुछ स्याही है किताबें। और ऐसे ही अध्याय की एक झकझोर देने वाली कहानी लेकर आ रही है हमारी नाट्य मंडली, जिसका विषय है प्रहार। सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात मैम। तो बच्चों, आज मैं आप सबको दो नए बच्चों से मिलवाती हूँ। इनसे नहीं है, ये साहित्यकारिता में रुचि रखती है और ये एक कमाल के कार्टूनिस्ट है। तो चलिए बच्चों, चैप्टर नंबर 377 खोलिए। 377? ये पेज तो हमारी किताब में है ही नहीं टीचर जी। अरे हाँ, तू इतना बड़ा हो गया है तू अपने टीचर से सवाल पूछेगा?
क्यों ना पूछूं सवाल, जब टीचर ही किताब में लिखी बात को मानने से मना कर दे तो क्या चुपचाप बैठा रहूं? अब तो मुझसे भी बहस लड़ाएगा। परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन इस घर में कुछ बचा है कि नहीं बचा है? दादाजी ने कहा क्रिकेट छोड़ दो, माँ ने कहा कार्टून देखना छोड़ दो, दोस्तों ने कहा आस्था को छोड़ दो, और आज आपने अरे राधा दीदी, कुछ सुना आपने शर्मा जी के लड़के के बारे में? कितना बोलने लगा है, तमीज नाम की तो चीज ही नहीं रह गई। अरे हाँ दीदी, मैंने भी सुना है। मैंने तो सुना है वो कक्षा में टीचर से सवाल पूछता है और उसी की देखो दाखी दूसरे बच्चे भी टीचर से सवाल करने लगे हैं। अरे जी बहन जी, सही कह रही आप। अरे उसको देख के मेरा बेटा भी सवाल पूछने लगा है मुझसे, जुबान लड़ाता है घर में। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों के संगत में रहेगा तो बिगड़ जाएगा। अपने बच्चों को लेकर मैं अगले साल चला जाऊंगा यहाँ से, आप लोग भी चले जाइए। सही बोल रहे, सही। बच्चों को भड़काएगा क्लास में, सवाल पूछता है। ऐसे लोगों को तो मर जाना चाहिए। मर जाना चाहिए। काहे भैया, का चल रहा है गोलामा? सुना है बहुत परेशान कीन जाते बच्चन का यहाँ, कोनो का अपन बात है नहीं रखें दी जाते। हमारे गोलामा तो ये सब झंझटे नहीं है, यहाँ तो बच्चन का पूछे के पीछे ही मार दी जात है। अब क्या करें, अबे कुछ दिन पहले ऐसे ही एक पत्रकार को भी मार दिया गया, पर क्या कर सकते, बड़ी जुझार हो रहा है। पर क्या कर सकते, ये गोला का तो सिस्टम ही अलग है, हर कोनो रॉन्ग नंबर लगाते। पहचाना मुझे? अरे कहां से पहचाना होगा, मैं वही बेबक पत्रकार हूँ जिसकी टाइपराइटर पर उंगलियां क्या खूब चलती थी, टाइपराइटर पर उंगलियां क्या खूब चलती थी। मेरे पास मेरी डायरी हुआ करती थी जिसमें मैं अपने विचार व्यक्त करती थी। उस रोज उस दिन मेरी टीचर को मेरा विचार पसंद नहीं आया था और मुझसे उन्होंने वो डायरी छीन कर दूर कर दी थी और मेरे ही पेन से मेरी हथेली पर इतने वार किए थे जैसे मेरी हथेली ना हो, दुश्मन की छाती हो। मैं दर्द से चीखती रही, तड़पती रही, चिल्लाती रही, अरे अपने खून से लगभग दांतों को देखती रही, मगर आप में से कोई उठकर नहीं आया, कोई उठकर नहीं आया, और आप सबने मुझे खोज खोज कर मार डाला। इनको छोड़िए जनाब, मुझे तो जानते ही होंगे, मैं भी तो इसी क्लास का छात्र था, वही कमाल का कार्टूनिस्ट। उस रोज मेरा क्लास में पहला दिन था और मैंने कुछ बनाया था, मगर आप तो जानते ही है कि ख्यालों पर किसी की बंदिशें नहीं होती हैं। पर उस रोज मेरे टीचर को वो कार्टून पसंद नहीं आया था। मैं उनकी क्रोध भरी आंखों को देखकर नीचे से ऊपर तक कांप उठा और अपनी खून भरी आंखों से आप सबको देखे जाने लगी। शायद अब कोई आएगा मुझे बचाएगा, पर आप में से कोई ना आया और मुझे बचाने के बजाय आप सबने पुलिस के हवाले कर दिया। गौर से देखिए जनाब, मैं ही हूं अभागा सा छात्र जिसे केवल एक प्रश्न पूछने के कारण प्रताड़ित किया गया। इस बात में लेश मात्र भी संदेह नहीं कि अगर इसी प्रकार प्रश्न पूछने के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा तो राइट टू डिसेंट जैसे अधिकार के साथ साथ हमारे संविधान का भी माहौल उठता रहेगा। यहाँ बात केवल एक प्रश्न पूछने की नहीं बल्कि समाज में होने वाले हर एक दुराभाव एवं शोषण की कहानी है। आज हर जगह हर बात पर हर किसी को इसी प्रकार प्रताड़ित किया जाता है। हमारे बड़े बूढ़ों के अनुसार हमारे समाज का कर्तव्य हर व्यक्ति के उत्थान में सहायता देते हुए एक विषहीन, कटुता रहित और सशक्त समाज का निर्माण करने का होता है। तो फिर आखिर क्यों ये सब घटित हो रहा है, आखिर क्यों? क्यों? मैं सिद्धार्थ सागर आप सबसे सवाल पूछता हूँ, आखिर क्यों? क्यों हमसे अनुच्छेद 19 का अधिकार छीना जा रहा है? क्यों ये समाज किसी के भी प्रश्न पूछने पर उसे हवालात लोक परलोक की सैर करवा दी जाती है? आखिर क्यों कोई निरंकुश अधिकारियों पर पूर्ण विराम नहीं लगाता? क्या हर एक अन्याय के विरुद्ध अन्यायचित बात करने वाले का हक इसी प्रकार से होगा, या पत्रकार के हथियारे इसी प्रकार से कानून का मुखौटा लाते रहेंगे, या शिव जैसे युवा इसी प्रकार मानसिक प्रताड़ना के भस्म बेला में अपना जीवन यूं ही बलिदान करते रहेंगे? मैं निशी सेठ। मैं अद्रिका अवस्थी। मैं वैष्णवी दीक्षित।
मैं इशिका अग्रवाल हूँ। मैं अनिरुद्ध पांडे। मैं विष्णु पांडे। मैं आयुष गुप्ता। मैं सान्या सिंह। मैं शिवांश भारद्वाज। धन्यवाद। के अंतर्गत उन्होंने एक दिन में 23 से 24 एसिड की बॉटल्स खरीद ली।
एसिड की बॉटल्स खरीदना सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सख्त कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट का कानून है कि आप बिना लाइसेंस के एसिड की बॉटल खरीद या बेच नहीं सकते। आए दिन हजारों जिंदगियां बस इसलिए बर्बाद हो जाती है क्योंकि पुलिस इस कानून पर बिल्कुल सख्ती नहीं दिखाती। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे एक लड़का एक लड़की की जिंदगी बस इसलिए बर्बाद कर देता है क्योंकि आए दिन ऐसे ही एसिड बाजार में बिकते मिल जाते हैं। क्योंकि बिकता है एसिड तभी तो फिकता है एसिड। हाँ हाँ, बिकता है एसिड तभी तो फिकता है एसिड। माँ माँ कहाँ हो आप? अरे बेटा तू आ गई, मैं यार रसोई में हूँ, खाना बना रही हूँ। माँ आपको पता है हमारे कॉलेज में ना नाटक होने जा रहा है। नाटक? नाटक? तू कॉलेज पढ़ने जाते कि नाटक नौटंकी करने जाते? अरे माँ वो शेक्सपियर का नाटक है। शेक्सपियर का? उसे नालायक का नाटक है? अरे माँ वो भी नालायक नहीं, वो बहुत ही बड़ा मशहूर लेखक है। लेखक? नाटक नौटंकी छोड़ और मेरे साथ रसोई में खाना बना, ये काम आएगा नाटक। अरे माँ आपको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं पता। अच्छा हमने वो पिक्चर देखी थी, उसका एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है, क्या मैं आपको करके दिखाऊं? तो बिन दिखाए मानी की कहानी चल करके ही दिखा दे। अच्छा आज आपके पास गाड़ी है, बंगला, बैंक बैलेंस है, मेरे पास क्या है? मेरे पास हां है। वाह मेरा बच्चा कितना अच्छा करता है। बेटा देखते हैं पापा आगे जाओ, उन्हें पानी देते हैं। बेटा एक गिलास पानी और लाओ, ये हमारे होने वाले दामाद और तुम्हारे होने वाले पति हैं। दामाद? हमारी बच्ची तो अभी बहुत छोटी है, इतनी जल्दी शादी? और पिताजी आप किससे मेरी शादी करा रहे? ये एक नंबर का आवारा और बदतमीज लड़का है, आया दिन आवारा गर्दी करता रहता है, अरे इससे मेरी शादी करा रहे? और लड़की को मजबूत समझने का नतीजा क्या हुआ? छेड़छाड़ और बलात्कार, बस यही सोच हमें
यही सोच हमें बदलनी है। मैं पूजा सिंह, बस यही सोच बदलनी है। मैं रश्मि त्रिपाठी, और बस यही सोच हमें बदलनी है। मैं दामिनी श्रीवास्तव, बस यही सोच हमें बदलनी है। मैं श्वेता यादव, बस यही सोच हमें बदलनी है। मैं रूषा त्रिपाठी, बस यही सोच हमें बदलनी है। मैं अपूर्णा गुप्ता, बस यही सोच हमें बदलनी है। मैं अंजलि झा, बस यही सोच हमें बदलनी है। बस यही सोच हमें बदलनी है। जगह जगह प्रदूषण फैला, धरती का गंदा हर एक कोना। सृष्टि के हैं पांच तत्व, धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सब है तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। कभी कदर की तो नहीं की, तू सच में है खुदगर्ज इंसान, पेड़ नहीं, पौधे नहीं, जलवायु प्रदूषित यहाँ। लेके चलते हैं भविष्य की ओर, जहाँ इन पांच तत्वों का हुआ है बुरा हाल। ये क्या हो रहा है? बादल से आग बरस रही है। चेहरे की सुंदरता बदरंग होती जा रही है। चमड़ी शरीर की जल रही है। सांस ली नहीं जा रही। धरती जहर उगल रही है। पशु पक्षी मर रहे हैं। और यही है, हम खा रहे हैं, हम खा रहे हैं। अंधकार छा गया आकाश में, डूब गए हम संसार में। ये तो प्रलय है, महाप्रलय। हे ईश्वर, कहाँ हो तुम? बचाओ हमें, बचाओ हमें, बचाओ हमें। क्यों करता है हल्ला बोल? तूने खुद किया है अपना डब्बा गोल। प्रकृति की ऐसी हालत का तू खुद है जिम्मेदार, तू खुद है जिम्मेदार, तू खुद है जिम्मेदार। मौसम बदल रहा है, पशु पशुओं के न जाने कितनी ही प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं, जंगल जल रहे हैं। क्या हम इस पर्यावरण के लिए जिम्मेदार नहीं? क्या हम इस प्रकृति के पात्र नहीं? पेड़ों को लगाना है, पर्यावरण बचाना है। पेड़ हमें केवल वायु, छाया और फल ही नहीं देते, बल्कि ये छोटे पशु पक्षियों का आशियाना भी है। अरे शर्मा जी, कहाँ है? अरे वो कल आपने जमीन दिखाने का वादा किया था। अरे भाई, कौन सी जमीन? अरे वही नहरिया के पास वाली। पर वहाँ तो कई सारे हरे भरे पेड़ है ना। अरे तो क्या हुआ, कटवा के फेंक देंगे? पर उससे तो हरियाली चली जाएगी। अरे जाती है तो जाने दो। तो देखा आपने, मैंने तो कोशिश की थी बचाने की, पर क्या कर सकते हैं। ये वही पेड़ पौधे हैं जिन्होंने हमें प्रदूषण से बचाया था। गए होंगे कि हमारा वर्तमान हमारे भविष्य की लापरवाही की वजह से बर्बाद हो रहा है। और दूर नहीं वो दिन जब यही भयानक भविष्य हमारा वर्तमान बन जाएगा, वर्तमान बन जाएगा। खूब खोले कारखाने, हुए एसी के दीवाने, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएगा। देख इंसान, तू अपनी हालत, तू पछताता ही रह जाएगा, तू पछताता ही रह जाएगा। सवाल कि एक मकान बनने पर, एक गांव को शहर में बदलने पर कितने पेड़ काटे गए? क्या आप उन कटे हुए पेड़ों को कभी आपने रोका? कभी उन कटे हुए पेड़ों को कभी आपने गिनने की कोशिश की? आखिर क्यों? मैं तुषार आपसे करता हूं सवाल,
कि आखिर कब तक पर्यावरण के नाम पर लोगों से पैसे लेकर उनकी आंखों में धूल झोंका जाएगा। मैं पलक करती हूँ सवाल कि क्यों ही चुनाव के समय मंत्रियों को आती है पर्यावरण की याद। मैं श्रीयम पूछना चाहती हूँ आपसे कि घर बनवा रहना तो सीख गए पर साफ हवा कहाँ से पाएंगे। खुद को सुई चुभे तो रोते हैं पर उस बेजुबान वृक्ष को कब तक चोट पहुँचाएंगे, कब तक चोट पहुँचाएंगे। मैं आस्था करती हूँ आपसे सवाल, शहर में बढ़ती गंदगी को देख दूसरों से पहले खुद से किया आपने सवाल। मैं वर्तिका करती हूँ सवाल, कितने शहर साफ कर डाले, कितने पेड़ लगा डाले, पर्दे के पीछे क्या है कुछ कभी है जाना, या फिर खुद गाड़ी में बैठ सबकी आंखों में धूल है डाला।